तो देखिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, कोई अगर चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक सेल है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक सेल है। सेल का मतलब समझते हो ना, एक हालो स्फेयर जिसमें जो थिकनेस ऑफ मेटल है वो बहुत ही पतली है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि एक बॉल हो जिसके ऊपर की जो प्लास्टिक की लेयर बहुत पतली हो। ठीक है, वो कहलाती है सेल। अब मान लीजिए कि हॉलो सेल है जिसकी रेडियस बच्चों हमको कितना दिया है, ये हमको गिवन है कैपिटल आर। इस सेल को हम क्यू चार्ज दे देते हैं, मतलब ये चार्ज सेल हो गई। बिल्कुल, अब इस सेल की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बाय गॉस लॉ। किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे? गॉस थ्योरम की हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। इसका मतलब ये गॉस लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों फाइंड करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पे, मतलब सेल के बाहर। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लें, इससे बाहर यहाँ ये पॉइंट ले लिया पी, हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि सेल के सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब सोचो बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, कहाँ पे निकालने जा रहे हैं बच्चों? हम निकालने जा रहे हैं एट एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, एट एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट मतलब इससे बाहर, जब स्मॉल आर बड़ा है किससे? कैपिटल आर से, जहां कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द चार्ज सेल। ठीक है, यहां पे बच्चों हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहां पे गॉस थ्योरम यूज करना है, और गॉस थ्योरम क्या बताती है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। फाई बराबर क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड अपान ε0। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक क्लोज सरफेस ढूंढना होता है हमेशा। तो जैसे पी पॉइंट मान लिया, तो एक इसके चारों तरफ एक ऐसा सरफेस लेना होगा जो कि क्लोज हो, तब हम गॉस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बताता ना किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का, उससे इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज को इनक्लोज करना था, तो हमने एक सरफेस बनाया। इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अच्छा, ये गॉसियन सरफेस हो गया। हमको बच्चों यहां पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें एक ऐसा सरफेस सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल जो सरफेस हमने सपोज किया है, हम लोग गॉसियन सरफेस ऐसा बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या हो? परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, किधर होगी बताओ? वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इधर होगी। इस छोटे से एरिया का है सरफेस एरिया किधर होगा? बाहर। क्यों? किसी भी क्लोज सरफेस का जो सरफेस एरिया लेते हैं वो हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस लेते हैं। जैसे ये स्फीयर है, इधर यहाँ का एरिया, यहाँ यहाँ का एरिया, यहाँ यहाँ का, यहाँ ऐसे जो इस तरफ आएगी लेयर उसकी यहाँ यहाँ ऐसे, मतलब आउटवर्ड रहेगा हमेशा। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई कि सरफेस एरिया हमेशा आउटवर्ड रहेगा, इसलिए ऐसा बन गया। अब लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डीए। तो डीए से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा सोचो बच्चों? तो ये होगा डी फाई, और ये बराबर होगा ई डॉट डी ए, मतलब डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ई और डी ए दोनों क्या है बच्चों? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां से बात करें डी फाई बराबर क्या आएगा? ई डी ए। तो ये तो बच्चों छोटे से सरफेस से फ्लक्स आया, अब पूरे सरफेस से पूरा स्फीयर है सोचो चारों तरफ इसकी, उससे फ्लक्स कितना पास होगा? तो यहां पर लिखेंगे कि सो नेट फ्लक्स
पासिंग थ्रू गौसियन सरफेस, ये जो गौसियन सरफेस पूरा बना हुआ है स्फेयर में, इसका नेट फ्लक्स कितना होगा सोचो। तो भाई ये बन जाएगा, नेट फ्लक्स लेना है तो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, फाई आ जाएगा। इधर इंटीग्रेशन होगा किसका होगा, ई डॉट डी ए का, ई इंटू डी ए। सोचो ई तो हर जगह क्या है, सेम है, मैंने बताया ना हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होती है गौसियन सर्फेस पे। इसका मतलब ई तो हर जगह सेम होगा उसका वैल्यू। डी ए, अब डी ए का सर्फेस एरिया लेना है, सोचो डी ए का सर्फेस एरिया कितना आएगा बताओ, ये आएगा 4πr2। क्यों भाई, डी ए सर्फेस एरिया है, इसका क्लोज इंटीग्रल किया है, ये क्या है, ये क्लोज इंटीग्रल, इसका जब क्लोज इंटीग्रल करते हैं पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा एरिया आ जाता है। और किसी स्फीयर का पूरा सर्फेस एरिया कितना होता है, 4πr2, जो कि उसकी स्मॉल आर क्या है, रेडियस है, किसकी, गौसियन सर्फेस की, समझ गए। तो इसका मतलब जो डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो मिलेगा 4πr2, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो मिलेगा ई इंटू 4πr2। फ्लक्स कितना होगा सोचो, तो भाई फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है बताओ, इसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0, यही तो हमने पढ़ा। अगर इस सेल को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, मान लें इस सेल को हमने कितना चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, q/ε0। फाई बराबर क्या हो जाएगा, q/ε0, यानी कि यहां पर फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, q/ε0, यानी कि ये बन जाएगा q/ε0 इंटू 4πr2 या इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू सेल एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम बात करते हैं कि अगर हमको इसके सरफेस पे निकालना हो तो क्या आएगा, सरफेस पर यहां निकाल दो इलेक्ट्रिक तो कैसे निकालेंगे भाई, स्मॉल आर इतना बड़ा है, अगर स्मॉल आर को कम करते 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 यहां ले आए तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा बताओ, यहां स्मॉल आर है, जैसे इस पास लोग स्मॉल आर घटेगा, जब यहां आ जाएंगे सरफेस पे तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के। इसका मतलब एट सरफेस, अभी तुम एक्सटर्नल पॉइंट पे कर रहे थे, अब यहां पर लिखेंगे एट सरफेस, सरफेस पर क्या होगा बताओ हमको कोई बात, तो वहां के लिए स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो ई का फार्मूला अब हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 q/R2, ठीक है। अब कभी कभी बच्चों पूछ दिया जाता है एट इंटरनल पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ठीक है तो हम बात कर लेते हैं, लिख देते हैं एट इंटरनल पॉइंट, ठीक है। इंटरनल पॉइंट मतलब इसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो यहां हमने पॉइंट ले दिया पी डैस, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कैसे करेंगे जरा सोचो भाई। सिंपल सी बात है कि यहां चार्ज को इनक्लोज करने के लिए गौसियन सरफेस यहां भी ड्रा करना पड़ेगा पी डैस से, यहां पर भी एक छोटा सा सरफेस एरिया सपोज करोगे क्या होगा डी ए, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, किधर होगी, इधर ही मान लो ई। तो यहां पे अगर मैं बात करूं फॉर डी ए डैश सरफेस एरिया, इस गौसियन सरफेस की बात हो रही है, ये छोटा वाला इंटरनल के लिए बनेगा, ठीक है, और ये एरिया हमने मान लिया डी ए डैश, तो डी ए डैश सरफेस एरिया की बात करोगे तो क्या आएगा, फ्लक्स कितना आएगा डी ए डैश, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा सोचो, ये होगा ई डॉट डी ए डैश, और ये किसके बराबर होगा डी फाई डैश, तो डी फाई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डी ए डैश कॉस 0°, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हमने सपोज किए हैं, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए डैश है। सो नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स के लिए क्या करोगे बताओ, इंटीग्रेट कर दोगे ई इंटू डी ए डैश, ऐसा कर देंगे ना, ये इंटरनल सरफेस का निकल आएगा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हमको ये पता है कि जो इंटरनल गौसियन सरफेस है इसका जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा बताओ, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है q/ε0
वो भी क्यू कौन सा, जो इस सरफेस के अंदर हो, यानी कि क्यू इनक्लोज अपान एप्सिलॉन जीरो। तो इसके अंदर कितना चार्ज है बताओ, इसके अंदर जो चार्ज है अपान एप्सिलॉन जीरो करना है, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं है, पूरा चार्ज कहाँ है, इसके बाहर। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसके अंदर का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो ई और डी ए का एरिया का जो भी इंटीग्रेशन आएगा तुम्हारा है, ये 4πr² है, मान लो कितना आ गया 4πr² क्यों, क्योंकि इस एरिया को हम, इस रेडियस को हमने r डैश मान लिया। तो e कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, तो e बराबर कितना आएगा बताओ, जीरो। इसका मतलब जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह वो क्या होगी, जीरो होगी बच्चों। तो याद रखना है किसी सेल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती सरफेस पर और बाहर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना हो तो भी हम बना सकते हैं। एक टर्म और आता है बच्चों, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल इन द टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, और सिग्मा बराबर कितना होता है बताओ, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। सिग्मा है क्या, लिख देते हैं यहां पे, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये है सिग्मा, और ये बराबर होता है क्यू अपान ए। देखो क्यू चार्ज कितनी एरिया में है, जितना इसका रेडियस था उसके हिसाब से वो, तो यह है क्यू अपान 4πR², क्यों, इस एरिया में है। तो यहां से क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या निकलेगी, सिग्मा इंटू 4πR². तो अगर हम चाहें तो सिग्मा के टर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। इसे एट एक्सटर्नल पॉइंट निकालोगे तो क्या निकल सकता है बताओ, 1/4πε0 पहले से आया, क्यू की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू 4πR² अपान स्मॉल आर स्क्वायर। 4π 4π कैंसिल होगा, ई कितना बचेगा बताओ, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट एक्सटर्नल पॉइंट, ये कहाँ पे आ जाएगी, एट एक्सटर्नल पॉइंट। अब एट सरफेस वाले में अगर आप देखो, यहाँ क्यू की वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा 1/4πε0 क्यू, क्यू की जगह 4πR² सिग्मा, देखो क्यू की जगह ये वैल्यू रख दिया, अपान में R² भी कट गया 4π भी कट गया। तो E बराबर यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब है एट सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, और अंदर क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम इसका ग्राफ बनाना आपको सिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जब ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि ये एक स्फेयर है, ठीक। तो आपको पता है ना, स्फेयर के सेंटर से अगर हम बात करें, ये स्फेयर का सेंटर है मान लो यहाँ पे, ठीक है, इधर स्मॉल आर वेरी कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सिस पे। तो हमको पता है ना, जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, मतलब यहाँ सरफेस तक, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो, बहुत बढ़िया। इसके बाहर जब जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है, और आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, स्मॉल आर बढ़ रहा है, और स्मॉल आर के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, यहाँ पे देखो वीक होती जा रही, कम होती जा रही, क्योंकि अपान में r². इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसा बनेगा कि ये, ठीक है, ऐसा बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये R वाले एक्सिस पे, और ये यहाँ से ऐसे, क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके बाद ये इस तरह से बन जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि स्फेरिकल सेल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी के पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज,
1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। द पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक स्फीयर है, ठीक है, कोई चार्ज्ड स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? कंडक्टिंग, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या सेल, दोनों की कंडीशन एक ही तरह होती है, क्योंकि दोनों पर चार्ज सरफेस पे जाता है। दिया है इस कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चला कि कंडक्टिंग स्फीयर में वही फार्मूले लगेंगे जो सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले थे, ठीक है, कुछ इसमें नया नहीं होना। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में जो चार्ज देते हैं वो कहाँ जाता है, सरफेस पे जाता है। कह रहे हैं इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यहां कहीं ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया है 1.5 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और वो भी किधर, रेडियली इनवर्ड। कह रहे यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती, सोचो, जब चार्ज स्फीयर पर कैसा होता है, निगेटिव। इसका मतलब ये तो हमको पता चल गया कि स्फीयर पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अब वो चार्ज कितना होगा, क्यों कितना होगा, ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई, ऐसा है, आपको पता है किसी स्फीयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, बताओ। ये होता है भाई E बराबर 1/4π0 Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, उस डिस्टेंस का स्क्वायर जहां निकालना है, क्योंकि बाहर हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है। अभी अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो जीरो हो जाती, क्यों, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, जैसे सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, बाहर है तो ये फॉर्म लगता है, क्या लगता है, 1/4π0 Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, किस डिस्टेंस का, जहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक का, ठीक है, तो अपान में स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया तो क्या आएगा बच्चों, बताओ, ये आएगा 1/4π0, ये तो फिक्स है 9 × 10⁻⁹। ई भी दिया, ये वैल्यू पुट कर दो, क्या दिया भैया, 1.5 10 की पावर 3, ठीक है, इंटू क्यू, क्यू हमको निकालना है, अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना दिया ये 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लो बच्चों, क्या आएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा, यहां रख देंगे तो 0.2 का स्क्वायर होगा। तो यहां से क्यू निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यू बराबर क्या आएगा बताओ, 1.5 10 की पावर 3 0.2 का स्क्वायर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, अपान में 9 × 10⁹, तो क्यू कितना आएगा बताओ, 1.5 10 की पावर 3 0.2 का स्क्वायर, बताओ कितना आएगा, 0.04 अपान 9 × 10⁹। देखो बच्चों, पॉइंट हटेगा नीचे 10 बढ़ेगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इसमें, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, 1 जीरो इसका और 2 जीरो यहाँ पॉइंट के, इतना आ गया। अब थोड़ा देख लो कौन क्या कर सकता है यहाँ पे, तो 4 से इसको काटो कितना आएगा, 250 आएगा। अब ये पॉइंट हट गया तो यहाँ पे क्या बचा बताओ हमको, ये बचा 15 से देखोगे तो 5 से काटोगे तो कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 3, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 50, 3 से इसको काटेंगे 9 को कितना बचेगा 3, ठीक है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यू बची है हमारे पास वो क्या बच रही है बताओ, ये बच रही है Q इज इक्वल टू 10⁻⁹, देखो 9 नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, -9 और 3 मिल जाएगा, तो 10⁻⁶ हो गया -6, और 1 अपान कितना आ गया, ये आ गया 150, ठीक है, देखो ये ऐसा हो गया। अब ऐसा करते हैं यहाँ पे 1000 ले आते हैं, तो 1000 लाएंगे तो 10⁻³ आएगा एक्स्ट्रा, तब तो आएगा 1000, और 10⁻⁶ पहले से अपान में 150, क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेशन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों बराबर क्या आएगा, 15 6 90, फिर 6, फिर मतलब 6 आता रहेगा, 6.67 × 10⁹⁹ कूलम। सो द चार्ज ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर विल बी 6.67 × 10⁻⁹ कूलम, और वही चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा, सो चार्ज विल बी निगेटिव। सो एट कंडक्टिंग स्फीयर
-6.67 10 टू द पावर -9 कूलाम चार्ज इज प्रेजेंट। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, इस स्फेरिकल सेल पर एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है, सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फेयर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका डायमीटर 2.4 मीटर। जब डायमीटर 2.4 मीटर मतलब उसकी रेडियस क्या है, डायमीटर बाई 2 करोगे तो निकल आएगी 1.2 मीटर। और कह रहे हैं उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है बच्चों 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रोकूलम को जब कूलम में बदलोगे तो 10^-6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा 80×10^-6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दिया है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर। अब आपको पता है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है, जब इसको हम कोई भी चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ जाता है बच्चों, स्फीयर के सरफेस पर जाता है। कहाँ पर जाता है, स्फीयर के सरफेस पर जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि इस स्फीयर को आपने क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बताओ, हमें तो क्यों निकालना है इसका, चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपान एरिया, यानी कि सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपान एरिया। एरिया इसका कितना होता है, 4πr² एरिया होता है 4πr² तो यहां से क्यू निकल आएगा, कितना निकलेगा क्यू की वैल्यू, सिग्मा इंटू 4πr² क्यू की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सिग्मा की वैल्यू होगी ये 80×10^-6, देखो माइक्रो को चेंज किया तो ये ऐसा आ गया, इंटू 4πr² पाई की भी वैल्यू रख दो, ये क्या आएगी, तो पाई की भी जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी 3.14 आर स्क्वायर। रेडियस कितना निकला 1.2 मीटर, इसका स्क्वायर कर दो भैया, ये कितना आएगा जरा बताओ हमको स्क्वायर करने पे, क्यू आ जाएगा 80×4 यानी कि ये बनेगा हमारे पास 80×4 यानी कि हमारे पास बनेगा 320×3.14×1.44, ठीक है, और ये हो गया × 10^-6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है बच्चों, ये आएगा 1.45×10^-3, ठीक है कूलाम, तो ये आंसर बचेगा 1.45×10^-3 कूलाम। ये चार्ज आ गया स्फीयर पे, हमसे पूछा जा रहा है कि इस स्फीयर पे कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स के लिए क्या फार्मूला होता है भाई, किसी स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ε₀। क्यू इनक्लोज्ड मतलब जो सरफेस पे चार्ज है उसी को क्यू इनक्लोज्ड स्फीयर के केस में यहां पे ले लेते हैं हम लोग, तो फाई हमको निकालना है क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू हमको निकल मतलब कैलकुलेट हम कर चुके हैं 1.45×10^-3 अपॉन ε₀। ε₀ क्या है भाई, इसकी यूनिट फिक्स होती है 8.85×10^-12, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ, जब इससे इसको डिवाइड करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1.6×10^8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो द फ्लक्स फ्रॉम द स्फीयर पास्ट विल बी 1.6×10^8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स आ जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। गॉस थ्योरम का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड R2 हैज अ चार्ज Q ऑन इट्स सरफेस, अ पॉइंट चार्ज -Q इज आल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द ए इनर बी आउटर सरफेस ऑफ द। सेकेंड, यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। ओके,
तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, जैसे दिखाया जा रहा है आपको डायग्राम में, जिसकी इंटरनल रेडियाई r1 है और बाहर वाली सरफेस की जो रेडियाई है वो r2 है। इस स्फीयर को प्लस q चार्ज दिया गया है, ठीक है, और इसके सेंटर पे, ये सेंटर ओ हमने मान लिया, इस पर हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, और इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने यहां माइनस क्यू चार्ज रख दिया और ये कंडक्टर है तो क्या होता है कि इंडक्शन हो जाता है, तो इस माइनस क्यू की वजह से यहां पे एक चार्ज पहुंच जाएगा। क्या चार्ज पहुंचेगा? अपोजिट चार्ज पहुंचेगा, पता है ना, माइनस क्यू अगर बीच में रखा तो इंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज ही प्रोड्यूस कर देगा बाय इंडक्शन। अब चूंकि आपको याद होगा कि जैसे माइनस क्यू चार्ज रखा किसी कंडक्टर के पास तो इधर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इधर प्रोड्यूस हो जाता है प्लस क्यू, और इसके बाहर वाले सरफेस पे इसका अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है माइनस क्यू, है ना। तो वही काम यहां पे होगा बच्चों कि जब अंदर प्लस क्यू चार्ज इंडक्शन से आ जाएगा तो इसके बाहर वाले सरफेस पर क्या पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज, ये क्या आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज, यानी कि बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज पहले से था और ये माइनस वाला और पहुंच गया, यानी कि बाहर टोटल चार्ज कितना हो गया, सोचो ये प्लस और माइनस दोनों आपस में मैनेज होंगे तो कुल मिला के बाहर चार्ज बचेगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कि क्यू माइनस क्यू, तो क्या बचेगा बच्चों क्यू माइनस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू हमने पहले दिया था और यहां से माइनस क्यू इंडक्शन से ऊपर पहुंचा है, तो यानी कि आउटर सरफेस पर चार्ज हो गया क्यू माइनस क्यू और अंदर वाले सरफेस पर चार्ज क्या हो गया प्लस क्यू। हमको चाहिए बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस, इसको हमने सिग्मा वन कह दिया। तो सिग्मा वन की वैल्यू क्या आएगी बताओ? तो भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज अपान एरिया, ठीक है। तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस की निकाल रहे हैं सिग्मा वन, तो इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इनर सरफेस का चार्ज कितना है भैया बताओ, क्यू अपान इसका एरिया, तो इनर सरफेस का एरिया कितना होगा बताओ, इसकी इनर सरफेस की रेडियस क्या है आर वन, और ये क्या है स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे इनर सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा फोर पाई आर वन स्क्वायर, क्या हो जाएगा फोर पाई आर वन स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई इनर स्फीयर पे, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे आ गई इनर स्फीयर पे। अब बच्चों हम बात करते हैं आउटर स्फीयर, तो आउटर स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको निकालनी, इसको हम लिखते हैं सिग्मा टू से, तो बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आउटर सरफेस का चार्ज अपान आउटर सरफेस का एरिया, क्योंकि हमको पता है ना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है चार्ज अपान एरिया, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है क्यू माइनस क्यू, और आउटर सरफेस का एरिया कितना होगा, तो आउटर सरफेस की रेडियस है आर टू, तो इसका एरिया हो जाएगा फोर पाई आर टू स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर होता है ना स्फीयर का एरिया टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा फोर पाई आर टू का स्क्वायर। इसका मतलब आउटर सरफेस पे हो जाएगा आउटर सरफेस का चार्ज यानी कि क्यू माइनस क्यू अपान आउटर सरफेस का एरिया, तो कितना हो गया फोर पाई आर टू स्क्वायर, ये सिग्मा टू हो जाएगा, मतलब आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। बच्चों इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर, अगर इस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लिया हमने पी पॉइंट लेट कर लिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, इस पॉइंट को कुछ डिस्टेंस दे दें स्मॉल आर मान लो, ये इससे आउटर है मतलब बाहर है यहां पे। अब यहां बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे बताओ, तो भाई ऐसा है सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको एक सरफेस से इनक्लोज कर देंगे, जिस सरफेस से इसको इनक्लोज करेंगे इस सरफेस को क्या बोलते हो बताओ, याद करो इसको आप लोग बोलते हो गौसियन सरफेस। गौसियन सरफेस क्या होता है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है, कौन से सरफेस होता है इमेजिनरी, है ना, तो ये हो गया गौसियन सरफेस।
और ये इमेजिनरी सरफेस होता है, ऐसा सरफेस लेते हैं जिस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। ठीक है, अब बच्चों गॉसियन सरफेस का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इनक्लोज्ड चार्ज चाहिए, गॉस थ्योरम यूज करना है ना। गॉस थ्योरम क्या बताती है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 होता है। तो गॉस थ्योरम लिख देते हैं यहां पे, तो गॉस थ्योरम क्या होती है, फाइ इज इक्वल टू होता है q/ε0, q इनक्लोज्ड /ε0। मतलब किसी सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का, उसमें इनक्लोज चार्ज का, क्लोज सरफेस की बात हो रही है, मतलब किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये फॉर्मूला हमको यहां यूज करना है। बच्चों हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एरिया लेट करेंगे, क्योंकि हमको नेट फ्लक्स चाहिए और फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डॉट ए, वो यूज करने जा रहे हैं। तो यहां पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगी है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर कैपिटल क्यू बड़ा है तो आउटवर्ड होगी, ओके स्मॉल क्यू बड़ा हो जाएगा, क्यू वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये इनवर्ड भी हो सकती है, बट हम यहां पे सपोज करके चल रहे हैं कि कैपिटल क्यू बड़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड है, और भाई प्लस चार्ज जब बड़ा है तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, डी ए, ये भी ऐसे होगा आउटवर्ड। तो इस छोटे से सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, पहले हम इस पे बात करते हैं, क्या पर लिखेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हम पी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, ध्यान रखना, फ्लक्स पासिंग थ्रू डी ए सरफेस एरिया, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट DA। देखो E और DA दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब ये बनेगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब अगर यहां से बच्चों हम डी फाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी बताओ जरा, तो ये निकलेगी डी फाई बराबर ई डी ए, क्यों, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आ गया छोटे सरफेस का फ्लक्स, हमको तो पूरे सरफेस चाहिए, यहां पर लिखेंगे कि सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा बच्चों, ये होगा फाई हो जाएगा, भाई छोटा सा फ्लक्स डी फाई था, टोटल फ्लक्स लिया वो फाई हो गया, तो बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, क्लोज इंटीग्रल किसका, ई डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन किया तो फाई आ गया, इधर इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया। बच्चों फाई क्या होगा, तो फाई होता है इनक्लोज्ड चार्ज अपान एप्सिलॉन जीरो। अब सोचो इनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये है, सबको जोड़ दी, यानी कि नेट चार्ज क्या होगा, ये चार्ज यानी कि माइनस क्यू, फिर ये चार्ज यानी कि प्लस क्यू, फिर ये वाला चार्ज क्या आएगा, क्यू माइनस क्यू और अपान एप्सिलॉन जीरो, यानी कि फाई की वैल्यू आ गई है क्यू माइनस क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अच्छा और ये सरफेस एरिया का इंटीग्रल कितना आएगा बताओ जरा, डी ए का इंटीग्रल ये होगा 4πr², जहां स्मॉल आर क्या है, उसकी डिस्टेंस है, ये रेडियस है, तो इसका एरिया क्या आएगा, 4πr² होता है ना सरफेस एरिया, तो ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या हो गया 4πr² सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये दोनों वैल्यू फाई की भी ठीक है और डी ए की भी, ये दोनों यहां पे रख दो ई निकल आएगा, तो फाई की वैल्यू रख दिया तो क्या आया, ये आ गया सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लें कोई दिक्कत नहीं, क्या आएगा q माइनस क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, डी ए का वैल्यू 4πr². यहां से बच्चों e की वैल्यू निकाल दें तो क्या निकलेगा 1/4πε0 q माइनस क्यू अपान स्मॉल r² क्या आएगा
वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू माइनस क्यू, ठीक है, अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और ये इनर और आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।